जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, यूनिवर्स भविष्य में होने वाली घटनाओं का हमें मैसेज किसी ना किसी माध्यम से देता ही रहता है। उनमें से सपने भी यूनिवर्स का एक मैसेज होता है। सपने में हम जो भी देखते हैं उनका कनेक्शन हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं से होता है। 22 फरवरी तक इस चैनल पर बहुत बड़ा खतरा है, ये चैनल कभी भी बंद हो सकता है क्योंकि इस पर ऑलरेडी 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुके हैं। अगर तीसरा कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो ये चैनल बंद हो जाएगा, इसलिए मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए ताकि हम लोगों का कॉन्टैक्ट बना रहे। लिंक आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम सपने में पुस्तक पढ़ते हैं तो समुद्र शास्त्र के अनुसार ये हमारे लिए भविष्य में होने वाली एक शुभ घटना का प्रतीक है और ये बताता है कि हम निकट भविष्य में अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ हम नई नई चीज़ों को भी सीखेंगे। हमारे ज्ञान में विस्तार होगा जो हमें आगे सारे कामों में सफलता प्राप्त कराएगा। अगर आप हाथ में पुस्तक को लेकर घूमते हैं या आपके हाथ में पुस्तक लगी हुई है तो ये बताता है कि आपको भविष्य में मान सम्मान मिलेगा। आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त या आपको समाज से कोई सम्मान मिल सकता है, कोई विशेष फंक्शन में आपको सम्मानित किया जा सकता है। अगर आप पुस्तकालय देखते हैं तो पुस्तकालय भी आपके भविष्य में आपकी सुख समृद्धि को दिखाता है कि आपके निकट भविष्य में आप में अब आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपकी धन यश और ऐशो आराम में वृद्धि होगी। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।